हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है भोजन में पोषक तत्व। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे भोजन में सम्मिलित होते हैं, और अगर ये पोषक तत्व ना हो ना तो हमारा जीवन, हमारा शरीर भी संभव नहीं है। तो देखते हैं एक बार। आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि जैसा खाना वैसा होना, यानी जैसा आप खाना खाएंगे आपका शरीर आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, वह सही है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमारे द्वारा भोजन खाया जाता है तो उसके अंदर जो पोषक तत्व शामिल होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में निम्न पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल। एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल। तो अब हम हरेक पोषक तत्व को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं। कैलोरी के रूप में जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जैसे केला और गन्ना। फिर इसके बाद है प्रोटीन। यह हमारे भोजन में आवश्यक हैं क्योंकि इनसे शरीर में वृद्धि होती है। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी प्रोटीन से, जैसे कि दूध और चिकन। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? दूध और चिकन। फिर है वसा। वसा भी बहुत ज़रूरी है। यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण भोजन हैं जो कि नौजवानों के लिए अति आवश्यक होते हैं। यानी यह जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमें बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, जैसे मछली, पनीर इत्यादि। फिर है विटामिन। यह शरीर को सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, यानी सामान्य कार्यों को करने के लिए, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है, जैसे अंडा, टमाटर और जैसे संतरा, मौसमी, ये सारे इनसे हमें विटामिन मिलता है। फिर है खनिज लवण, जिन्हें मिनरल्स कहते हैं। यह वह कार्य करने में सहायता करते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, यानी हमारे जीवन के लिए जो ज़रूरी कार्य हैं उनको करने के लिए ये खनिज लवण बहुत काम आते हैं। उसके बाद है फाइबर, यानी कि रेशे। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि गाजर, मटर और जो भी सलाद वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये क्या करती हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और पाचन तंत्र को साफ करती हैं। फिर इसके बाद पानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है, जिसके कारण शरीर का तापमान सामान्य रखा जाता है। यानी आपको पता है ना, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है और पानी पीने से, पानी के द्वारा वो बॉडी का टेम्परेचर सही बना रहता है। जैसे पानी की कमी किससे पूरी होती है? खीरा, टमाटर, तरबूज इत्यादि, इन सब से पानी की कमी पूरी होती है। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी करने के लिए। तो देखते हैं आखिर कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो। तो देखिए आपको करना क्या है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में से प्रत्येक 7 पोषक के 2 भोज्य पदार्थ ढूंढिए। यानी जो अभी हमने 7 पोषक तत्व पढ़े उनके हर एक के 2-2 भोज्य पदार्थ ढूंढने, यानी कि कुल मिला के कितने होने चाहिए? 14। तो कौन कौन से आइटम हैं जरा ढूंढिए मेरे साथ। जब मुझे मिल सकेंगे तो आपको भी मिल सकते हैं, तो मेरे साथ साथ ढूंढने का प्रयास कीजिए। देखिए एक तो साफ नज़र आ रहा है, तरबूज, ठीक है। फिर इसके बाद मीट, 2 हो गए। फिर इसके बाद जो देखो नज़र आ रहे हैं साफ साफ, 3, अंडा। उसके बाद आपको क्या नज़र आता है? ढूंढिए, बहुत जल्दी से ढूंढिए, फल, ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद और कौन सा नज़र आ रहा है? पनीर, 5 हो गए। और ढूंढिए फलियां, जैसे ग्वार की फली, सेम की फली, ठीक है, फलियां। और मूंगफली, बिल्कुल सही। और ढूंढो जल्दी से, मेरे से पहले ढूंढो सर। और कौन सा नज़र आ रहा है? दूध। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अभी हमें 6 और ढूंढने हैं।
एक और मिल गया जल्दी से, चावल। ठीक है, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए, संतरा 10 हो गए, और ढूंढो, टमाटर 11 हो गए, नमक, नमक में मिनरल्स होते हैं, 12 हो गए, और ढूंढो और आपको मिलेंगे, देखिए बहुत जल्दी जल्दी मिलते जा रहे हैं, मछली 13 हो गए, और बताइए, एक और हमें ढूंढना है। और एक और हमें मिल गया, मटर। अब देखो काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 और 14 पूरे हो गए। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी पर। तो ये है जोड़े बनाइए, इसमें क्या करना है, ए को बी के साथ मिलाना है, सही सही को। पानी, पानी को किसके साथ मिलाएं, शरीर का तापमान सामान्य रखना, तो आप इसको इसके साथ मिला दो, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फिर खनिज, खनिज क्या होते हैं जल्दी बताओ, अभी ऊपर हमने समझे हैं खनिज, खनिज क्या होते हैं, वो हमें जो है क्या करते हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी जीवन को सुरक्षित रखने वाले कार्य, यहाँ से मिलाओगे खनिज को, तो दो नंबर यहाँ पर आ गया। फिर तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सबसे पहले पढ़ा था, ये ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, तो यहाँ आप तीन नंबर लिख लीजिए। फिर प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन वृद्धि में सहायक होते हैं शरीर की, तो यहाँ चार लिख लीजिए। और पांचवा रेशे, रेशे क्या होते हैं, जो ना हजम होने वाली चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस चैनल को यानी कि अपने चैनल को 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है, और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।